आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक कन्वेयर बेल्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। उसके ऊपर एक स्टेशनरी हुपर से सैंड गिरते हैं, ठीक है। गिरने का रेट है 5 kg/s, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स जो है रिक्वायर्ड है ताकि हम बेल्ट को मूव कर सकें कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। और हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि मोटर के द्वारा कितना पावर डिलीवर किया जाना चाहिए ताकि हम बेल्ट को मूव कर सकें। तो अगर हम देखें तो कन्वेयर बेल्ट ये होगा, ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर सैंड्स इससे गिर रहे हैं, ठीक है। तो सैंड की वेलोसिटी लगभग जीरो होगी इस पॉइंट पे जब गिर रहा होगा, तो अबाउट जीरो। अगर हम इस ऊपर को क्लोज रखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। तो अबाउट जीरो वेलोसिटी से गिर रहा है और फाइनली जो है वो 2 मीटर/s की वेलोसिटी से चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब वो गिरेगा तो वो कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी से चलने लगेगा। तो हम अगर देखें तो यू, अगर इसको एक्स कहें इसको वाई कहें, तो यू जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी अगर देखें तो वो कितना हो जाएगा, 2i/s हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको एक चीज़ पता है, एफ क्या होता है, dp/dt या ∆p/∆t इक्वल टू m∆v/∆t। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो F हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, मास हमें पर यूनिट टाइम दिया हुआ है 2 मीटर/s, तो m/∆t दिया गया है कितना, 5 kg/s। और डेल्टा भी कितना हो जाएगा, फाइनली 2 है, इनिशियली 0 है, यानी कि ये न्यूटन में आएगा। तो F इक्वल टू 10 N जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। 10 N जो है, 10 N फोर्स लग रहा है किस पे, सैंड पे। तो ये जो है न्यूटन, अच्छा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में सैंड पे लग रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कन्वेयर बेल्ट पे लग रहा होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में कन्वेयर बेल्ट पे 10 N का फोर्स लग रहा होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पावर कितना रिक्वायर्ड है। तो पावर क्या होता है, अगर हम देखें तो इसको कन्वेयर बेल्ट जो है 2 m/s की वेलोसिटी से चल रहा है, और उस पर फोर्स जो है उसको 10 N फोर्स जो है लगाना पड़ेगा। और अगर मोटर 10 N फोर्स लगा रहा है तो पावर कितना लगाना पड़ रहा होगा, हमें कितना पावर देना पड़ रहा होगा। तो पावर जो है ये होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, F.V होता है इक्वल टू, अच्छा फोर्स और वेलोसिटी दोनों जो हैं एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, तो यहाँ पे 10 × वेलोसिटी 2 m/s है, तो ये इतना 20 W हमारा पावर जो है रिक्वायर्ड है ताकि हम उस कन्वेयर बेल्ट को 2 m/s की वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा सके। तो ये हो गया हमारा आंसर।